मोहम्मद सगीर ने पूछा है कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन. सर, डज द वर्ड क्लासरूम मींस टाइप ऑफ सिलेबस चार्ट, टाइप ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ टीचर्स? बिल्कुल, आप इस चीज में भी ले सकते हैं कि हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है और उसके क्लासरूम्स के अंदर कोई क्रिएटिव लर्निंग नहीं पढ़ाई जाती. ये भी एक हो सकता है. दोनों तरह से आप इसको कंस्ट्रू कर सकते हैं. उसके बाद किसी और ने क्वेश्चन नहीं पूछा, सामिया इम्तियाज ने पूछा था, उसका आंसर हो गया था और बाकी सब लोगों के आंसर जो हैं कल ही हो गए थे आई थिंक. यस, ठीक है. एक ही शख्स ने क्वेश्चन पूछा है पीछे से. अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं. रिशा असगर, आप जरा हैंड रेज करें, फिर आपको अनम्यूट कर देते हैं. जी पूछे क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. अरिशा ऊंची बोले. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा एसए से रिलेवेंट है लेकिन सीएसएस से रिलेवेंट है. मुझे थोड़ी सी आपकी गाइड चाहिए थी. सीएसएस में जो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स हैं सर, उनको अगर करने बैठे तो पाकिस्तान अफेयर्स तो लगता है कि बस पाकिस्तान अफेयर्स ही पढ़ते जाएं, मतलब एक्सटेंसिव उसकी वो आ जाती हैं, डायमेंशन आ जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि आप ये वाला कोर्स, आप कोई करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स का कोई आपका है या सेशन? और दूसरा अगर नहीं है तो आप किस तरह, आप अगर कुछ गाइडलाइंस दे दें प्लीज. अरिशा, ऐसा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ पाकिस्तान अफेयर्स लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से जाके स्टडी करूँ चीज़ें. ठीक है, मैं करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ाता हूँ, प्रेसी पढ़ाता हूँ और ये ऐसे पढ़ाता हूँ, यही काफ़ी है मेरे ख्याल में. मेरे लिए हर सब्जेक्ट में अगर मैं पढ़ाऊँ तो शायद इतने अच्छे तरीके से ना पढ़ा पाऊँ. ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने कैसे तैयार किया था और आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने अलहदा से यूट्यूब वीडियोज़ दो बनाई हुई, दो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हैं और दो मेन एग्जाम्स के लिए हैं. फिर मैंने 2022 का एग्जाम भी जो है एनालाइज किया हुआ है. पाकिस्तान अफेयर्स की अलग वीडियो है और करंट अफेयर्स की अलग वीडियो है, तो अगर आप उनको देखें तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि किन किन लाइंस पे तैयारी करनी होती है. करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो मैं एमपीटी के बाद अनाउंस करूंगा. एमपीटी से पहले करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा इसलिए नहीं है कि अभी हम पढ़ लेंगे फर्ज करें और उसके बाद कुछ और इवेंट्स हो जाते हैं तो वो कैसे कवर होंगे. तो हम तब करेंगे जब पेपर बन जाएगा और पेपर होपफुली एमपीटी के बाद बन जाएगा. ठीक है, तो हम उस वक्त सारे रिकैप कर लेंगे. तो दैट्स द आंसर. ठीक है, और अभी हम जो है ये जरीजा नाजिर साहबा हैं, ये जरा माइक ऑन करें. जरीजा नाजिर, रिजा आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आप जरा ऊंचा बोलें. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. रिजा आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर वाइज. वाइज होता है, ये किस जुबान का लफ्ज है? अरबिक. अरबिक का लफ्ज है, अच्छा. तो रिजा ये बताएं कि आप ने पिछले लेक्चर अटेंड किए? जी सर, किए हैं, तीनों लेक्चर्स किए हैं दोनों. तो आप हैंड रेज क्यों नहीं करती हैं? आपके सारे दोस्त हैंड रेज करते हैं, आप कहीं खोई रहती हैं? सर एक्चुअली मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट है, मैंने मतलब 2 वीक्स पहले डिग्री कंप्लीट हुई है मास्टर्स की इंग्लिश लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी से. जी तो मेरा ये बिल्कुल बिगनिंग है और मैं जस्ट अभी चीजें सुन रही हूं कि चीजों को लेके कैसे चलना है. बिल्कुल मेरा लाइक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा के कोशिश ही होती है कि सबको सुनूं, सबके ऑब्वियसली स्टूडेंट जिनके थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तो शायद से सुन के कुछ आइडिया हो जाए. अच्छा, तो ज़रीज़ा ये बताइए, हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो चीजें कवर की हैं, ठीक है, उसमें से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे जो है ना हेल्प करें रिवाइज करने में, मुझे तो भूल गया क्या कवर किया था. ठीक है, सबसे पहले ज़रीज़ा मुझे ये बताएंगे वो कौन सी 3 चीजें होती हैं जो एग्जामिनर आपके मार्क्स देते हुए सोचता है कि इन 3 चीजों के अंदर अगर इसकी सही हुई चीज तो मैं फिर उसको नंबर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा. सर इन एसे द फर्स्ट वन वाज द ऑर्गेनाइजेशन. जी द सेकंड वन वाज रेलेवेंस एंड थर्ड वन इज क्लैरिटी. जी दरीजा, अगर आपको एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पता है, ठीक है,
तो जी सर, क्या उसका मतलब है कि आप सारी चीजें उस ऐसे में लिखेंगी या आपको कुछ करना पड़ेगा? नो नो, उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट चीज आपसे पूछी क्या गई है, जैसे आपने कल एक्सप्लेन किया था तो उसमें जो टॉपिक पूछा गया उस पर बात करनी, ऑब्वियसली एक टॉपिक पे बहुत मटेरियल है तो आप वो सारी चीजें तो नहीं ऐड कर सकते उसमें। जरीजा, अगर ऐसा हो कि आपको सिर्फ 1000 वर्ड्स की ही वो चीजें पता हों जो टॉपिक से रेलिवेंट हों, और बाकी 1000 वर्ड्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस तरह की चीजें आपको आती तो हों लेकिन टॉपिक से रेलिवेंट ना हो, तो फिर क्या आप सर क्या करेंगे? उसको फिर ये है कि उनको आर्ग्यूमेंट्स से आपने बताया था कि उनको आर्ग्यूमेंट्स में जाके फिर आपने उनको हिस्ट्री इवेंट्स के साथ रिलेट करना है। बिल्कुल, आपने क्या करना है, आपने शुरू में नहीं बताना कि डेमोक्रेसी ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, आपने जब जी आगे कहीं सर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करने देगा ना, देखें जैसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्टार्ट है ऐसे फ्रांस में भी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले दुनिया के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, वहाँ जो है वो अमीर गरीब जो है उनके दरमियान जंग हुई थी और नतीजतन डेमोक्रेसी बनी थी। डेमोक्रेसी में कहा था कि इक्वालिटी और लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो जी बिल्कुल यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो आपने अपना नॉलेज ट्रिकीली यूज भी कर लिया आर्गूमेंट्स में, और आपने वर्ड भी पूरे कर लिए, और आपने जो है एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर दिया, वो कहेगा बड़ी इससे चीज़ें पता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ें शुरू में आधे ऐसे के अंदर लिख दें, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स के अंदर, तो एग्जामिनर कहेगा कि ये तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है ना जी सर, जरीजा, तो जी सर, आप ये हम अभी जाहिर है इस जगह पे नहीं पहुंचे, हमने आर्गूमेंट्स देने सीखने हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, लेक्चर नंबर फाइव के अंदर जी जो है वो आप जो है सीख लेंगे, अभी तो सिर्फ ये हवाई बात है कि कैसे यूज करना है। तो रिजा, आपने अगर एमए इंग्लिश किया हुआ है तो आप हमें हेल्प करेंगी फिर हमारे इंट्रोडक्शन राइटिंग के लेक्चर के अंदर, तो जी जो सर, हमारा 6th लेक्चर होगा ना उसमें मुझे कहना ना पड़े, आप मुझे खुद याद करवाएंगी चैट में या हैंड रेज करके कि सर आपने कहा था। ठीक है रिजा, जी सर, ठीक है, थैंक चले ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, यू। तो हमने ये चीज़ें देखी, फिर हमने देखा कि टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, ये ज़्यादा है प्रैक्टिस एग्जाम से पहले की है ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। लेकिन एग्जाम में बैठकर आप येस और नो के अंदर कर रहे होते हैं कि कौन से 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, बाकी कौन से हैं जो आपने नहीं करने। उसके बाद आपने एक टॉपिक जो चूज़ कर लिया, वो बेशक आसान हो मुश्किल हो, उसमें आप अच्छा तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ये देखना है। ये नहीं देखना कि CSS के एग्जाम के 10,000 बच्चे जो हैं वो कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये नहीं देखना। आपने देखना है कि आपका अपना जो ऐसे कौन सा अच्छा आता है और वही करना है, बेशक आसान हो बेशक मुश्किल हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, दिमाग में जो जो आएगा वो करना है, काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर आपने उसको जो है जो गैर जरूरी पॉइंट्स होंगे उसको काटना है। किस बुनियाद पे काटना है? कीवर्ड एनालिसिस के साथ काटना है जैसे हमने कल किया। ठीक है, फिर ऐसे को डिवाइड करना है कि वो कितने हिस्सों में आएगा, क्योंकि होप्स एंड हर्डल्स हैं तो 2 बड़े हिस्से आएंगे। ठीक है, कोई और ऐसे हो तो 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं, वो वक्ती तौर पे आपने डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये भी हमने देखा कि अगर आपके पास तकरीबन 25-30 पॉइंट हो तो आप 5,000 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 2,000 से 2,500 वर्ड्स का ऐसे लिखना। तो आप अपने पॉइंट्स को छोटा करेंगे और जो दूर दराज के पॉइंट्स होंगे उन्हें तभी यूज करेंगे जब आपके पास बाकी पॉइंट्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये कांट छांट, ये कटाई, ये सारी चीजें जो हैं ये हमने कल तक सीखी थी। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो इस चीज के ऊपर है कि अब हम इसकी आउटलाइन कैसे बनाएं, और आउटलाइन से पहले भी एक चीज आती है ग्रुपिंग। ठीक है, आप किसी चीज को ग्रुप करते हैं। कुछ ग्रुपिंग तो हमने कल कर ली थी, ये होप्स एंड हर्डल्स वाली, कुछ ग्रुपिंग जो है वो हम अभी करेंगे। इसमें हम जो ग्रीन वाले हैं उसको अलग निकाल लेते हैं, ये हो गया। आप में से सारे लोग जब बाद में ऐसे करेंगे ना तो आप लोग इस चीज को बड़ा अच्छा और खूबसूरत महसूस करेंगे कि आप 1 2 3 4 करके बातें अपनी गिनवाते जाए। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि आप दो दो पॉइंट्स को, तीन तीन पॉइंट्स को एक बड़े ग्रुप के अंदर डाल दें। ठीक है, एक बड़े ग्रुप के अंदर अगर आप डालेंगे ना तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप इजीली एक वाइज तरीके के साथ एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर बजाय इसके कि आप ये 10 पॉइंट्स लिखें, सक्सेसिव कंप्लीजन ऑफ गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये वो वगैरह वगैरह,
इसके बजाय आप दो या तीन बड़ी कैटेगरीज बना लें और उसके अंदर दो दो सब पॉइंट्स दे दें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका एग्जामिनर कहेगा कि ये बंदा सियाना है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आप कहते हैं कि सब लोगों को इक्वालिटी मिलती है, सब लोगों की आवाज़ असम्बली तक पहुँच जाती है, सब लोग जो है वो माशरे के अंदर जो है इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं, सब लोग जो है वो फैसला साजी में हिस्सा लेते हैं। ये चार पॉइंट आप मुझे कह सकते। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं यही बात और वो मुझे ऐसे कहे कि डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है कि इससे कुछ सोशल बेनिफिट्स होते हैं और कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि अच्छा सोशल बेनिफिट्स कौन से होते हैं? आप कहेंगे माशरे में इक्वालिटी आ जाती है। मैं कहूँगा अच्छा पॉलिटिकल बेनिफिट्स कौन से होते हैं? आप कहेंगे कि लोगों की आवाज़ असम्बली तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो है ना एग्जामिनर कहेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। और आज के बाद से जब भी आप डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आर्टिकल अच्छा लिखा होगा ना उसके अंदर ग्रुपिंग हुई होगी, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ग्रुप किया होगा उसने अपनी चीज़ों को, अपने आर्टिकल्स को। लेकिन जो आपको लगेगा कि ये कोहरेंट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर होता यही है कि आपकी जो ग्रुपिंग है वो नहीं हुई होती और उसके अंदर पॉइंट्स एक दो तीन चार पाँच छः करके लिखे होते हैं, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली फोर्थली। तो आपका जो है वो एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा बजाय इसके कि उसको रंग रंग की चीज़ें बताई जाएं। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ग्रुपिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रुपिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे हम नकल लगा कर गुजारा कर सकते हैं। पर्सनली मैंने तो ग्रुपिंग सीखी ही नकल लगा लगा कर थी। ठीक है, और नकल लगाना बड़ी अच्छी बात है अगर आप वक्त पे लगा लें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले लगा लें। तो मैं भी जो है वो एग्ज़ाम से पहले नकल बहुत ज़्यादा लगाया करता था, एग्ज़ाम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगाई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपने नकल से सीखनी। ठीक है, तो इसके टूल्स हैं कुछ, ये मैं आपको शो कर देता हूँ और आप लोग जो है इसको अपने इन टूल्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने तो ये किया हुआ था कि इनकी एक लिस्ट बनाकर रखी हुई थी और वो अपने उसका प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे रख लेता था जहाँ मैंने पढ़ना होता था, और जब लिखने लगता था ना तो एक बार इनको देख लेता था। इससे मुझे दो फायदे होते थे। एक तो फ़ायदा ये होता था कि जो मेरे पहले से सोचे हुए पॉइंट्स होते थे वो उनके लिए मुझे ग्रुप्स मिल जाते थे कि किस ग्रुप में किसको डालूं, और दूसरा ये होता था कि जो मुझे पॉइंट्स जहन में नहीं आए होते थे तो वो मुझे ये ग्रुपिंग देखकर याद आ जाता था। अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड भी कोई पॉइंट बन सकता है, रिलीजियस से रिलेटेड भी बन सकता है, लीगल से रिलेटेड भी बन सकता है, तो मैं फिर जो है वो कुछ नए पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐड हो जाते। ठीक है, तो अभी मैं आप में से किसी एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हैंड रेज करे और मुझे पहली क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ के सुनाए जरा। असद साद बोलना चाहते हैं। जी असद, ये पहली क्लासिफिकेशन पढ़े। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सोशल कल्चरल एजुकेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजरल इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल रिलीजियस डेमोक्रेटिक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। कोई और भी इस तरह का आपको याद आ रहा है? अल एजुकेशनल भी हो गया, इकोनॉमिकल भी हो गया, इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे आपके साथ। ठीक है, जो याद आए तो वो ऐड कर सकते हैं। जब मैंने ये लिस्ट बनानी स्टार्ट की थी तो सिर्फ चार वर्ड से आहिस्ता आहिस्ता याद आते गए तो मैं ऐड करता गया। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इन सारे ही ग्रुप्स को उठाएं, आप देखेंगे कि आपके ऐसे के अंदर कौन से ग्रुप्स लग सकते हैं। तो चले हम देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल लगता है हमारे ऐसे के अंदर। जी, ये लीडरशिप क्राइसिस पॉलिटिकल है? जी सर, बिल्कुल पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से फ्यूडलिज्म जो है ये हमारा क्या है, कल्चरल है, ये हमारा इकोनॉमिक है, क्या चीज है ये? सर ये इकोनॉमिक सोशल, सर ये इकोनॉमिकल में आएगा सर। इकोनॉमिक भी आ सकता है, सोशल भी आ सकता है, आपका जो है फ्यूडलिज्म की सोसाइटी में भी असरात होते हैं, इकोनॉमिक्स पे भी होते हैं। अच्छा असद, इधर एक बड़ी अहम गलती ये है
कि बाकी सबके साथ तो अल अल लगता है, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक भाई है ना उनके साथ अल नहीं लगता, वो सिर्फ इकोनॉमिक होते हैं। अगर आप उसके साथ अल लगा देंगे ना इकोनॉमिकल, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई बंदा कंजूस है या कोई बंदा पैसे हिसाब से खर्च करता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये वाली जो मोबाइल है ना ये बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, सिर्फ 15,000 में आ गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें होती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। तो आप ये एक मेजर मिस्टेक करेंगे अपने एग्जाम में, आप आउटलाइन के अंदर जाकर इकोनॉमिक को इकोनॉमिकल लिखाएंगे तो एग्जामिनर कहेगा जनाब इसको तो बेसिक नहीं पता, ठीक है। अच्छा, फेडरलिज्म को हम जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है और इस पे भी पड़ता है, तो दो चीजें इकट्ठी जोड़ देंगे। उसके बाद है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ठीक है। ये भी एक तरह से सोशल बन सकता है, जी सर, सोशल बन सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज नॉट फेयर, तो ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का इशू है। उसके बाद लैक ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर जो है ये कल्चरल भी बन सकता है और सोशल भी, क्योंकि हमारे पास सोशल ऊपर लिखा हुआ तो हम सोशल के अंदर ही पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रेजिंग पीपल्स वॉइस, तो ये एक पॉलिटिकल में भी आएगा, पॉलिटिकल में आ सकता है, ठीक है, लीडरशिप वाला ही आ जाएगा। तो इस तरीके के साथ हमने जो है वो अपना सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक चीज है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और हम इसको सोशल में ले जाएंगे, ताकि सेक्शन के अंदर एक सब छोटी चीज अच्छी नहीं लगती, दो तीन चीजें हो तो थोड़ा मजा आता है, ठीक है, हम ऐसे ले जाएंगे अपनी आसानी के लिए या थोड़ी अच्छे लगने के लिए एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। तो हमारे पास डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के जो हर्डल्स हैं वो क्या हुए, पॉलिटिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। सोशल को आप थोड़ा सा कल्चरल भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन ये है कि ये इस तरह से। इसी तरीके के साथ हम होप्स को देख लेते हैं। होप्स के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये क्या है असद? सर ये भी हमारा इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, पॉलिटिकल भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों कर सकते हैं, पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कर लेते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स भी एक इंस्टीट्यूशन ही होती हैं एक तरह से। सक्सेसिव कंप्लीशन ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल है या सोशल है या इकोनॉमिक है? सर पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल भी हो सकता है सर, ये पॉलिटिकल कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ मीडिया तो सोशल है, सबको पता है, उसके साथ विमेन पार्टिसिपेशन भी एक सोशल इशू है, खवातीन का जो कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, जेंडर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सोशल होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी सोशल होती हैं, ठीक है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं। पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मीडिया भी इसी के अंदर आ जाएगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल के अंदर, ठीक है, और डिजिटाइजेशन जो है वो भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनल है, अदारे ही डिजिटाइज करते हैं, कोई सोसाइटी नहीं कर सकती या कुछ और नहीं कर सकता, और ये पॉलिटिकल पार्टी वाली जो चीज़ है ये पॉलिटिकल है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 होप्स आ गए और तकरीबन 7 हर्डल्स आ गए, तकरीबन बराबर है। सर एक क्वेश्चन है, जी जी जनाब, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हर्डल्स और होप्स दोनों चीज़ें हैं, जो ग्रुपिंग हमारी हर्डल्स में हो रही है वो से हमारी होप्स में भी होनी चाहिए, वो चेंज ग्रुपिंग हो सकती है इसके अंदर? चेंज हो जाए तो अच्छा है, वही हो जाए तो फिर थोड़ी रेपिटेशन हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज है कि ऐसे के अंदर आपने जो है रेपिटेशन को अवॉइड करना है। ये आंसर ने पूछा है कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये क्यों पॉलिटिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि ये दो पार्टियों के दरमियान माहदा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात होगी, ठीक है, इसलिए हम जो है इसे पॉलिटिकल में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू असद, आपने थोड़ी सी हेल्प की हमारी। अब जरा अगली कैटेगरी जो है वो हम देख लेते हैं, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे, कौन करेगा, हैंड रेस करें।
سامیہ کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سامیہ, اتفاق ایسا تھا کہ ہمارا جو ایسے تھا وہ تھوڑا سا اس قسم کا تھا کہ پہلے والی کلاسیفیکیشن ہی اس میں لگ گئی, ٹھیک ہے جی, لیکن کچھ ایسے ایسے ہوں گے جس کے اندر آپ کو ہر لیول پہ بات کرنی پڑے گی, تو انٹرنیشنل, نیشنل, پروونشل اور لوکل, ٹھیک ہے. تو ذرا سوچیں کہ یہ ایسے کس طرح کے ہوں گے. مطلب کیا ٹاپک بتاؤں گے کس طرح کے ہوں گے؟ کس طرح کا ہوگا جس میں انٹرنیشنل کی بھی بات کرنی ہے, نیشنل کی بھی, لوکل کی بھی اور پروونشل کی بھی. سر ہم جیسے ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کریں تو اس میں بھی تو یہ سارے آ جاتے ہیں. اگر ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان نہ ہو, سمپل ایجوکیشن سسٹم جی, لیکن چلیں یہ بھی. سر اگر ہم گلوبل وارمنگ کی بات کریں تو اس میں بھی انوائرمنٹ اس میں آ جائے گا, جینڈر اس کے اندر, اس طرح کی چیزیں آئیں گی جس کا دنیا سے بھی تعلق ہے اور پاکستان سے بھی تعلق ہے, ٹھیک ہے. یس سر. تو گلوبل ورلڈ آرڈر کی بات کریں گے, اس طرح کی بات کریں گے اس میں آ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو. اچھا تو سامیہ ایک تیسری چیز ہے آگے, ایک اور چیز ہے, وہ کیا لکھی ہوئی ہے یہ اگلی لائن میں؟ کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک. یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا نئی چیز ہے, ٹھیک ہے. یس سر. یہ کسی مین چیز جگہ پہ تو نہیں آئے گی, لیکن جب آپ سجیشن دے رہے ہوں گے نا تو اس جگہ پہ آئے گی, ٹھیک ہے. یس سر. سجیشن کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, ایسی باتیں کرتے ہیں نا؟ یس سر. تو اس میں ہم کچھ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپریشن اسٹارٹ کر دینا چاہیے, گورنمنٹ کو ایمرجنسی لگا دینی چاہیے, گورنمنٹ کو یہ لا پاس کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز جو بہت زیادہ ڈائنمک ہوتی ہیں, جو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ فوراً کی جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو میڈیا کا رول بڑھا دینا چاہیے, گورنمنٹ کو اویئرنیس دینی چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ این جی اوز کو انکریج کرے کہ وہ پروگرامس بنائیں, یہ کریں, وہ کریں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. جس کے اندر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایکشن سے فائدہ تو نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی میں جا کر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یس سر. تو وہ ہوتی ہے نان کنیٹک. تو سامنے یہ بتائیں گے اگر ایک ایریا کے اندر بچے اغوا ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہیں وہ اے ایس پی ہیں, سپوز کریں اے ایس پی لاہور ہیں آپ, اور لاہور کے جس ایریا میں آپ اے ایس پی ہیں وہاں بچے بہت زیادہ اغوا ہو رہے ہیں, تو آپ ایز اے پولیس مین, پولیس وومین جو ہے, آپ کائنیٹک کون سے کام کر سکتی ہیں اور نان کائنیٹک کون سے کام کر سکتی ہیں؟ سر کائنیٹک مطلب کہ جو مجھے کرنا چاہیے, تو مطلب کہ میں ایسی کچھ لیجسلیشنز ہونی چاہیے کہ چائلڈ, سامیہ آپ پولیس والی ہیں, آپ کا لیجسلیشن سے کوئی کام نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آپ جو ہیں انفورس کر رہی ہیں گورنمنٹ کی رٹ کو, تو آپ کون سے ایسے ایکشنز لیں گی جس کا فوراً نتیجہ نکلے گا, اور کون سے ایسے ایکشن لیں گی جس کا ذرا آہستہ آہستہ نتیجہ نکلے گا؟ سمجھ آ رہی مجھے. اچھا کوئی اور اگر اے ایس پی بننا چاہتا ہے اور اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اگر کسی ایریا کے اندر بچے کڈنیپ ہو رہے ہوں اور ان کو بچانے کے لیے کچھ کائنیٹک میجرز لینے ہیں اور کچھ نان کائنیٹک میجرز لینے ہیں, تو پھر کیسے ہوں گا؟ جو کڈنیپر ہوگا اس کو ہی ہم پکڑ کے ادھر اندر میں ڈال دیں گے, پنش کریں گے اسے جی. تو یہ کیا ہوگا, کائنیٹک ہوگا یا نان کائنیٹک ہوگا؟ یہ نان کائنیٹک ہوگا. نان کائنیٹک کیسے ہوگا, یہ تو فوراً اس کا اثر ہو رہا ہے, کڈنیپر کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا. جی جی کائنیٹک ہوگا. مزمل شاہ صاحب ذرا بتائیں. جی سر یہ کائنیٹک ہوگا جس میں ہم پوری طور پہ ایکشن لیں, ہم پیچھے جائیں گے اور ریڈ کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ فوراً فوراً نکلتا ہے, اس کے اندر پاور, اس میں موومنٹ انوالوڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی جی سر. اور جو نان کائنیٹک ہوگا وہ پولیس والا کیا کرے گا جو نان کائنیٹک ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ان پیچھے جو گروہ انوالو ہوگا ان تک جائیں گے, ان کے سرگنا کو, ان کے لیے ان کو مطلب کہ ان کا جو نیٹ ورک ہوگا وہ توڑیں گے. وہ تو کائنیٹک ہو گیا, کائنیٹک وہ ہے جو ایکٹیولی کیا رہتا ہے, نان کائنیٹک وہ ہے جو پیسیولی ہوتا ہے, خود بخود آہستہ آہستہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوگا؟ اس میں پھر جو دوسرے فیکٹر انوالو ہوں گے, جو دوسرے اداروں سے انہیں سجیشن دے کہ آپ یہ کریں,
जैसे अगर हमेशा अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आई थिंक आपको काइनेटिक और नॉन काइनेटिक का सही आइडिया नहीं हुआ। काइनेटिक वो काम है जिसका नतीजा फौरन निकलेगा, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व होगी, जिसमें चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप एक तो करेंगे रेड, ठीक है, रेड करके उस बंदे को पकड़ के लाएंगे जो किडनैप कर रहा है, ये हो गया काइनेटिक मेजर। नॉन काइनेटिक ये होगा कि आप अपने सूबे के चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे कि सर ये बच्चों के अगवा के मामले के अंदर ये कानून जो है ये मसला कर रहे हैं, तो अगर इस पर कानून साजी हो जाए अगले साल, 3 साल बाद, 10 साल बाद, तो बच्चे अगवा होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप ये करेंगे कि आप अपने इलाके के जो स्कूल होंगे उसके अंदर जाकर सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, वहाँ बच्चों को बताएंगे कि बेटा अगर कोई मसला है तो आपने इस तरीके से देखना है, आपने इस तरीके से बचना है, अननोन बंदे के पास नहीं जाना। तीसरा काम आप ये करेंगे कि आपके जो पेरेंट्स होंगे उनको मीडिया के ऊपर ब्रीफिंग देंगे कि आपके बच्चे जो हैं आपका कीमती असासा हैं, आपको ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल से लेने जाएं तो उनको अपनी जिम्मेदारी के अंदर स्कूल से बाहर लाएं, ये ना हो कि वो बाहर फिर रहे हों, ऐसे ही वो जो आप छोड़ने जाएं तो उन्हें बाहर ना छोड़ के जाएं, इंश्योर करें कि वो अंदर हैं, ठीक है। तो मुजम्मिल शाह ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट करती है, सिर्फ काइनेटिक मेजर्स नहीं लेती और सिर्फ नॉन काइनेटिक मेजर्स नहीं लेती, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आप क्योंकि एएसपी बनने जा रहे हैं या एसी बन जाएंगे या आप जो है कस्टम्स में जाएंगे, मिलिट्री लैंड पे जाएंगे, तो वहाँ आपको दोनों तरह के काम करने होंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि आप सारे काम गोलियों के साथ ही करेंगे, आपको प्यार मोहब्बत से भी करने पड़ेंगे और आपको जो है दूसरे तरीके से भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। और अब हम आते हैं कि अगर आपने अपने एसे के अंदर कुछ सजेशन देनी है तो उन सजेशंस के अंदर आप उन सजेशंस को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ है ना ये काइनेटिक है और ये वाली चीज़ जो है ये नॉन काइनेटिक है। तो आपके दो पैराग्राफ बेशक बन जाए आपके, फॉर काइनेटिक मेजर्स वी कैन डू दिस और फॉर नॉन काइनेटिक मेजर्स वी कैन डू दिस। एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा और वो ये कहेगा कि ये बंदा मुजम्मिल शाह जो है ये तो पहले से तैयार हुआ है कि पुलिस में कैसे काम होता है या एसी कैसे काम करता है, ठीक है। ये तो आइडियल बंदा है ही नहीं जो बस ये कह रहा है कि मैं गोली चला दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको सेपरेट करेगी आपके अपने दूसरे बाकी आगे पीछे वाले दोस्तों से, और वो ये कहेंगे कि एग्जामिनर कहेगा कि ये बंदा तैयार है, इसको सिविल सर्विसेज अकेडमी में डालते हैं, कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जल्दी तैयार हो जाएगा। एज कम्पेयर टू दैट कि आप बड़ी रॉ सी बातें करें तो आपका एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ पर नहीं मानेगा, ठीक है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर काइनेटिक मेजर ये है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्टिवेट करें, उसको एक्टिव बनाएं, उसको सारा कुछ करें। नॉन काइनेटिक ये है कि आप डेमोक्रेटिक एजुकेशन दें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो कुछ चीज़ें फौरन असर करेंगी, कुछ चीज़ें ठहर के असर करेंगी। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने BBA या MBA किया हो वो हैंड रेज करें, या कोई ऐसी डिग्री की हो जिसमें उसने SWOT एनालिसिस का पढ़ा हो। जी राबिया है। जी राबिया, आपने कहाँ से किया BBA? हेलो जी राबिया, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, आ रही है। अच्छा, तो राबिया ये बताएं कि आपने कहाँ से BBA किया? सर कजाजम से। अच्छा, तो MBA भी किया है? जी सर, MBA का जाजम से किया। अच्छा, तो ये बताएं कि SWOT एनालिसिस क्या होता है? सर ये एनालिसिस होती है, हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स की एनालिसिस करते हैं। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशंस की या इंडिविजुअल्स की इंस्टीट्यूशंस, हम ऑर्गेनाइजेशन की भी एनालिसिस करते हैं। अगर उसी में की जो स्ट्रेंथ होती है वो बताते हैं, वीकनेस होती है वो मेंशन करते हैं, इंडिविजुअल अपनी भी हम लोग अपनी भी एनालिसिस कर लेते हैं। जो हमारी वीकनेस होती है ना उसी को, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको हम लोग कम करके अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, और मतलब जो हमारे थ्रेट्स होती हैं वो भी हम अपने मतलब मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास थ्रेट्स हैं, ठीक है। थैंक यू राबिया। होता ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने मेजर करना हो ना, फर्ज करें आपसे पूछा जाए कि हायर एजुकेशन जो है CSS के हवाले से बात कर रहा हूँ, थैंक यू राबिया आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। फर्ज करें आपसे कहा जाता है ना कि आप
किसी चीज की जो है वो वैल्यूएट करके बताएं कि ये सही है या ये सही है, या पाकिस्तान के अंदर तालीम के निज़ाम में क्या इश्यूज हैं या तालीम के निज़ाम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह के अक्सर ऐसे जाते हैं, तो उसके अंदर आपने करना ये होता है कि आपने उस चीज़ की स्ट्रेंथ्स भी बतानी होती हैं, उसकी वीकनेसेस भी बतानी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी बताने होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये तो एक जैसी चीज़ें लग रही हैं और वीकनेस और थ्रेट भी एक जैसी चीज़ लग रही है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो इंटरनल होती है। मिसाल के तौर पर एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि उसके पास बड़ा काबिल स्टाफ है, ठीक है। वीकनेस ये हो सकती है कि लेकिन उस स्टाफ के पास बैठने की सही तरह से जगह नहीं है, ऑफिस अच्छे नहीं हैं, कंप्यूटर अच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सैलरीज नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं ये अदारे की अपने अंदर की चीज़ें होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं ना वो उस अदारे को बाहर से मिलते हैं, उस चीज़ को बाहर से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन को हायर कर लेती है किसी और मुल्क की गवर्नमेंट के, जनाब आप बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाते हैं तो हमारे मुल्क में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमें आप स्टाफ बाहर भेज दें, बांग्लादेश के लोग बुला लेते हैं, श्रीलंका के लोग बुला लेते हैं, अक्सर डिपार्टमेंट्स पैसे बुलाया जाता है, ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है। तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उसे वर्ल्ड वाइड जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो थ्रेट्स होते हैं वो ये होते हैं कि बाहर के लोग असर अंदाज होकर उसके प्रोसेस को सेबोटेज करते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन के मुकाबले पे कोई और डिपार्टमेंट आ जाए, वो कहे कि जनाब मैं भी इलेक्शन कमीशन वाला काम करूँगा, जैसे एंटी करप्शन के मुकाबले पे नैब आ गया, ठीक है, जैसे और इस तरह से बेशुमार चीज़ें जो है ओवररीच करती हैं, कुछ अदारे दूसरे अदारों के ऊपर कोशिश करते हैं कि गलबा पा लें और ख़ुद काम करें उनकी जगह पर, ठीक है। तो वो थ्रेट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से उस अदारे को नुकसान पहुँचता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने ऐसे करनी होती। तो आप किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ करें, आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में आईटी का फ्यूचर कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आईटी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, पाकिस्तान में आईटी से रिलेटेड वीकनेसेस क्या हैं, पाकिस्तान में आईटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और पाकिस्तान में आईटी से रिलेटेड थ्रेट्स क्या हैं। तो ये आप जो है वो तीन तीन पैराग्राफ्स लिखें इसके ऊपर, तीन स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, तीन वीकनेसेस लिखते हैं, तीन अपॉर्चुनिटीज़ लिखते हैं, तीन थ्रेट्स लिखते हैं, तो आपका एक अच्छा ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट ऐसे टाइप्स के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसी तरह से अगर कुछ भी ना मिले तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये लीस्ट कह सकते हैं कि इनकरेज्ड है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी मॉनिटरिंग। अगर फ़र्ज़ करें आप जो है वो कि किसी चीज़ का मशवरा दे रहे हैं या आप किसी पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर ऐसे आ जाता है, या इससे रिलेटेड और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे आता है, या बॉर्डर पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे आता है, तो आप उसके अंदर तीन काम कर सकते हैं। एक बता सकते हैं कि पॉलिसी कैसे बनी, दूसरा बता सकते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, और तीसरा ये कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन अगर आप जब ज़्यादा अच्छे एसेज लिखने लग जाएंगे तो फिर आपको शायद ये चीज़ हेल्प करे। इसी तरह से अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सजेशन दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर होती हैं, और मीडियम टर्म 2 से 5 साल के दरमियान वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि आप 1, 2, 3, 4 करें, आप ये कहें कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्टेप्स ले। तो फिर आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म स्टेप्स के अंदर ये करें कि गवर्नमेंट मोटरवेज बनाए, एक मोटरवे 5 साल में बन जाती है, ठीक है। मीडियम टर्म के अंदर गवर्नमेंट ये करे कि बैंक्स को कहे कि वो कर्जे दें ताकि लोग जो हैं वो कारोबार करें, और शॉर्ट टर्म के अंदर ये करें कि गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दे ताकि जो है मुल्क में कारोबार जो है वो ईजिली बढ़े, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीनों हिस्सों के अंदर आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। आपको खुद समझ आती जाएगी वक्त के साथ साथ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा देर में होती हैं। जैसे अंडरस्टूड है कि मोटरवे देर से बनती है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉरेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो आपने जब बातें करनी है तो आपने इन चीज़ों को कर लेना। इसी तरीके से कहीं आपको ऐसे भी ग्रुप करना शायद पड़ जाए कि गवर्नेंस लेवल के ऊपर क्या होता है, सोसाइटी के लेवल के ऊपर क्या होता है। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन अफेयर से रिलेटेड ऐसे है तो आप डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिसी लेवल और पीपल टू पीपल लेवल पर बात कर सकते हैं। इसी को ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। उसके बाद 3 पिलर्स ऑफ स्टेट्स की बात कर सकते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। किसी कोई ऐसा ऐसे है, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पाकिस्तान,
तो उसमें आप कर सकते हैं कि जुडिशरी के एंड पे ये मसले चल रहे हैं, लेजिस्लेचर के एंड पे ये मसले चल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के एंड पे यानी सिविल सर्विस के एंड पे ये मसले चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान में डिसीजन नहीं हो रहे। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिनकी मेन कैटेगरीज हैं और आप इन कैटेगरीज को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना जो है ऐसे को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा वाइज बना सकें। तो इसका मैं आपको कहूँगा कि आप इस पेज का प्रिंट निकाल के या इसको एक पे लिख कर इसका पेज फाड़ के उसे अपनी जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने लिख के लगा लें। कोई भी ऐसे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपने सजेशंस देनी है, जिसके अंदर आपने एनालाइज करना है, तो इन चीज़ों को देख लें एक बार। इनमें से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो लग जाएगा, अगर वह लग जाता है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर लें। उसके पैटर्न के ऊपर अगर आप अपना आंसर देंगे तो आपका एग्जामिनर जो है वो बड़ा इंप्रेस होगा और कहेगा कि ये बंदा जो है ना ये बड़ा वाइज है। विजडम क्या होती है, आपकी चीज़ें कलेक्टेड होती हैं, कलेक्टेड फॉर्म के अंदर होती हैं, तो आप इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। जी उसामा सरफराज साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, ये जो ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी है, ये दोबारा बता दें, मतलब इसका मतलब? हमें ये होता है कि ट्रैक वन वो डिप्लोमेसी होती है जो एक्टिवली फॉरेन सर्विस के लेवल पे की जाती है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जो इदारों के लेवल पे की जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो मैच खेलने चला गया, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होगी। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और बांग्लादेश की साइंस फाउंडेशन जो है उन्होंने मिलकर भी प्रोजेक्ट किया, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होगी। और तीसरी जो ट्रैक थ्री होती है वो पीपल टू पीपल लेवल होती है। अब टूरिज्म के लिए खोल देते हैं इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोग जाते हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर जाके देख के आते हैं वो कैसा है, उन लोगों से मिलते हैं तो उससे भी लोगों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, नतीजतन उनके दरमियान दूरियां खत्म होती हैं, फिर वो अपने उन पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती चाहते हों। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। या तो फॉरेन सर्विस के लेवल पे हो जाए जैसे पाकिस्तान और चाइना के हैं, या फिर डिपार्टमेंट्स के लेवल पे हो जाए जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के हैं। ठीक है, या फिर जो है पीपल टू पीपल लेवल पे हो जाए जैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के हैं, या पाकिस्तान और कौन से लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा, तुर्की के लोग भी आ जाते हैं, तुर्की के लोगों के और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मवासलत है, दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ये होता है। इसके अलावा किसका क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जनाब, ब्रेनस्टॉर्मिंग की रेलिवेंट पॉइंट्स निकाले और उसके बाद उन पॉइंट्स को आपने जो है ग्रुप कर लिया ताकि आप थोड़े से वाइज लगें और आपका एग्जामिनर कहे कि जनाब इस बंदे को बड़ा काम आता है। ठीक है, इससे अगले स्टेज है कि आप आउटलाइन बना लें बाकायदा तौर पर, जिसके लिए आपसे पेपर में भी पूछा गया था कि जनाब आप आउटलाइन बनाएं। ठीक है, तो आउटलाइन बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट तरीके डिफरेंट टीचर्स बताते हैं और आपको बेशुमार तरीके अच्छे लगते होंगे, बेशुमार तरीके बुरे लगते होंगे, लेकिन जो आउटलाइन है मेरे ख्याल में अगर छोटी हो तो अच्छी है, लंबी बहुत ज़्यादा ना हो। छोटी का मतलब है कि एक पेज पे हो या डेढ़ पेज के ऊपर हो, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, बहुत सारी आउटलाइन ऐसे बनाई जाती हैं जिसमें चार सफ़े पाँच सफ़े लगते हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल के अंदर एग्जामिनर जो है वो अगर उसको सारा कुछ ही बाहर बता देंगे तो वो अंदर तो कुछ नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कि सारा कुछ ही बाहर लिखा हुआ है, और फिर वो आउटलाइन तो ना हुई ना, वो तो एक तरह से पूरा ऐसे ही समरी की फॉर्म में लिख दिया या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये पसंद करता हूँ कि आउटलाइन छोटी होनी चाहिए, बस उसमें वो पॉइंट्स हों जो आगे हर पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट लिखा होगा, ये होगा, या फ्रेजेज में हो जाए या सेंटेंसेज में हो जाए, कोशिश ये करें कि फ्रेजेज में बनाएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आउटलाइन के अंदर ये है कि आप बड़ी कैजुअल आउटलाइन बनाते हैं, ये मसले वाली बात है। कैजुअल नहीं बनानी, आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनानी है। मिसाल के तौर पे ये पॉलिटिकल लिखा हुआ है, ये पॉलिटिकल का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। आपने इसको एक ऐसे फ्रेज में कन्वर्ट करना है जिसका कोई मतलब हो। मिसाल के तौर पर क्राइसिस एट पॉलिटिकल लेवल,
ठीक है, इसका एक मतलब निकलता है कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्राइसिस है, ठीक है, उसकी आगे सब कैटेगरीज आप बना दें जनाब, ए दिस और बी दिस, ठीक हो गया। इसी तरह सोशल का क्या मतलब है, सोशल का कोई मतलब नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं इश्यूज इन सोशल स्फीयर, ठीक है, आपका एग्जामिनर खुश होगा, उसे पता चलेगा कि इस बंदे को पूरी बात करनी आती है, आधी आधी बातें नहीं करता ये, ठीक है। उसके बाद आप उसका ए लिखें, उसके बाद आप उसका बी लिखें और उसके बाद आप उसका सी लिखें, ठीक है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो इंस्टीट्यूशनल को अगर आप लिख दें कि हर्डल्स एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है, लेवल को अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल स्टेज कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो, रेपिटेशन जो है वो आपके ऐसे को किल कर देगी, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से ए और बी करके कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है आपके इसी तरीके से होप्स आ जाएंगे, इधर हम कहेंगे होप्स फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसमें भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की बजाय कहेंगे कि होप्स एविडेंट एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, इसका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। इसी तरह ही हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एरिना ब्राइट फ्यूचर एट पॉलिटिकल एरिना, ठीक है, इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा खूबसूरत से वर्ड्स यूज करके अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको, जो आपकी आउटलाइन है उसे खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि लाइट इन डेमोक्रेसी थ्राइव्स एट सोशल स्फीयर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी भी जो हमारे मेन हेडिंग्स हैं वो तो अच्छी खूबसूरत हो गई हैं, लेकिन जो हमारी सब हेडिंग्स है उसको मैंने नहीं छेड़ा, उसके अंदर जो है अभी भी ज़रूरत है कि हम जो है थोड़ी सी चेंज लाएँ और थोड़ा सा जो है वो अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, ठीक है, वो क्योंकि लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें मैं करके नहीं दिखा सकता, तो वो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ये लीडरशिप क्राइसिस है इन पाकिस्तान कर दें तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है और आपने कंक्लूजन भी लिखना है, तो एक एक हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की आ जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आप जो है एक अच्छा सा कंक्लूसिव लाइन लिख सकते हैं, मे अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान या दिस और दैट, आपके अपने कंक्लूजन से एक अच्छी सी लाइन जो है वो आपने लिखनी है, ये आप तब देख लेंगे जब हम कंक्लूजन लिखना सीखेंगे, अभी इसको जो है ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरीके के साथ इंट्रोडक्शन के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है,
अगर आपको लगता है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त बन गई है और बड़ी अच्छी है और इसमें कोई एरर नहीं है तो आप ज़रूर लिखें। अगर आपको ये लगता है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी तो आप ना लिखें, ठीक है। तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। उसके बाद इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट्स के दरमियान आप जो है वो नेक का पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन फिर नेक फिर उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद फिर कंक्लूजन। तो नेक के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेक के अंदर आप लिख सकते हैं टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी या फिर आप लिख सकते हैं व्हाट इज एन आइडियल डेमोक्रेसी। पर्सनली मैंने जो है वो टेनेट्स के ये लिखा था व्हाट इज एन आइडियल डेमोक्रेसी और थिंग लाइक दैट, ठीक है। या अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये तरीका लगता है कि ये दरमियान वाली जो चीज़ है व्हाट इज एन आइडियल डेमोक्रेसी या टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन जो है ये अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है कि मैंने जितने भी बड़े राइटर्स के एसेज पढ़े हैं, बर्टन एंड रसल हो गया, विल ड्यूरा हो गया, जो हमारे चर्चिल साहब हैं सर विंस्टन चर्चिल वो हो गए, सर जॉन बीम्स हैं, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, या जॉर्ज ऑरवेल के एसेज बड़े मशहूर हैं, फिर ई एम फोस्टर के एसेज मशहूर हैं, उन सब दोस्तों ने ये किया हुआ है। एड दोस्त नहीं है वो तो 100 साल पहले तकरीबन मरखब गए हुए हैं, लेकिन उन सब ने ये किया हुआ है कि उन्होंने अपने पहले इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा अपना जो है वो क्राइटेरिया सेट किया है। उन्होंने ये बताया है कि आइडियल चीज़ कैसे होती है ताकि एक बार पढ़ने वाले के जहन में बैठ जाए कि असल चीज़ ये है और अब जो होप्स और हर्डल्स हम देख रहे हैं वो इस असल चीज़ के चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे, अपनी तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको देखना है। तो जैसे मैंने एक ऐसे पढ़ा था सर फ्रांसिस बीकन का, फ्रेंडशिप के ऊपर था, तो उसमें उन्होंने पहले पैराग्राफ में तो तारुफ करा दिया कि फ्रेंडशिप क्या होती है या फ्रेंडशिप कैसे है, ये क्या है, जो भी है। लेकिन दूसरे ऐसे दूसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि कोई फ्रेंडशिप है किसी दो लोगों के दरमियान। तो उसमें उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप ये होती है कि खुशी के वक्त आप एक दूसरे को शेयर करें, परेशानी के वक्त जो है वो सपोर्ट करें, और डिसीजन के वक्त एक दूसरे को मशवरा दें, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ फ्रेंडशिप होगी। तो देखिए उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से दरमियान में सेकंड पैराग्राफ जो है वो उसमें क्राइटेरिया बता दिया कि जो है वो फ्रेंडशिप कैसे होती है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी का हम क्राइटेरिया बता सकते हैं कि आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है। अब हम इसके हवाले से देखेंगे कि पाकिस्तान में होप्स क्या हैं और हर्डल्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो एग्जामिनेशन हॉल में लिखा था वो ये लिखा था कि आइडियल डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ हो इक्वालिटी, जहाँ हो लिबर्टी, ठीक है, और जहाँ हो अकाउंटेबिलिटी। ये तीन चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ की डेमोक्रेसी को माना जाएगा अच्छी डेमोक्रेसी, और जहाँ नहीं होंगी वहाँ की डेमोक्रेसी को माना जाएगा बुरी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर जो जो चीज़ें इनमें से मिसिंग हैं इसकी वजह से डेमोक्रेसी के हर्डल्स हैं, और जो जो चीज़ें जो हैं वो नहीं मिसिंग वो होप शो कर रही हैं। फिर मैंने जब आगे बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लैक ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन नहीं है, ये मसला बयान किया, तो उसमें मैंने लिखा कि लैक ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन से लोग इक्वल नहीं रहते। कुछ लोगों को ज़्यादा पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। जिन लोगों को ज़्यादा पता होता है वो फ़ायदा उठा लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता वो गलत बंदे को वोट डाल आते हैं। नतीजतन क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था अपने एसे के स्टार्ट के अंदर कि अगर इक्वलिटी ना हो तो कोई डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होती। तो पाकिस्तान में लैक ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन की वजह से इक्वलिटी नहीं है और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये एक हर्डल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडियल चीज़ों को जगह जगह अपने एसे के अंदर बार बार रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से गुड गवर्नेंस के 8 पॉइंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर। डेमोक्रेसी के भी 5-6 पॉइंट्स होते हैं वो भी हम मॉड्यूल 2 के अंदर देखेंगे। वो आपको हेल्प करेंगे ये काम करने में कि आप जो है अपने जो एग्जाम है उसके अंदर क्राइटेरिया अच्छा सेट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया सेट करते हैं। उसके बाद जनाब आ जाती है नंबरिंग, ठीक है। तो आपके मेन हेडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन हमेशा नंबर 1 पे होता है, और उसके बाद ये नंबर 2 पे होगी आपकी नेक, और नंबर 3 से फिर
आपका जो है hurdles in the way of democracy in Pakistan होगा, और इसके अंदर तीन major points बन जाएंगे, number one और number two और number three, ठीक है, और उसके आगे सब कैटेगरीज आ जाएंगे। इसी तरीके से होप्स को आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, और एंड पे जो है आपका नंबर फोर बन जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। चार बड़े पार्ट्स हुए, उनमें से आगे जो थर्ड पार्ट था उसके आगे सब कैटेगरीज हुई और उसके भी आगे सब सब कैटेगरीज। तो इस तरीके से एक जो है आउटलाइन, एक अच्छी आउटलाइन बनती है। आउटलाइन पहले आप रफ पे बनाएंगे और उसके बाद जब अच्छी बन जाएगी फिर आप आउटलाइन की स्टार्ट में जगह छोड़कर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखने के बाद आप एंड पे जाके अपनी आउटलाइन जहां जगह छोड़ी होगी शुरू में वहां जाके बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपने अपने जहन के अंदर जो है इस तरीके से खाका रखना है। हर ऐसे का डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन मेन चीज ये है कि इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया सेटिंग, उसके बाद आपकी जो है वो होप्स एंड हर्डल्स या जो भी चीज पूछी गई है वो, और उसके बाद आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका होगा। अच्छा, आउटलाइन लिखते हुए आपको दो चीजें बड़ी हेल्प करेंगी। एक आपके पास होना चाहिए नीला मार्कर, एक होना चाहिए काला मार्कर, और एक होना चाहिए नीला पेन, और एक होना चाहिए काला पॉइंटर। ये चार आपके पास रंग आ जाएंगे या चार दर्जे आ जाएंगे। तो जो बड़े वाली हेडिंग है वो आप लिखेंगे, मेन हेडिंग जो है वो नीले मार्कर से लिख लें, उसके बाद नीचे वाली काले मार्कर से लिख लें, और उसके बाद नीचे वाली जो है पेन से लिख लें। तो कलर्स के साथ भी बड़ा फर्क पड़ेगा और एग्जामिनर को जज करने में बड़ी आसानी होगी कि कौन सा सेक्शन कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फर्ज करें आप लिख लें ब्लू मार्कर के साथ, ठीक है, सॉरी कलर, और आप ये लिख लें ब्लैक मार्कर के साथ, और ये लिख लें ब्लू पेन के साथ, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर जो है फौरन समझ जाएगा कि ये जो बंदा है ये, इसके अंदर ये चीजें हैं। आपको कोई रंग भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज हाईलाइट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने पहले से ही अपनी कलर हायरार्की ऐसे रख लेंगे जिससे एग्जामिनर को हेल्प मिल जाए, वो फौरन फौरन सेक्शंस को पहचानने लग जाए कि ये सेक्शन जो है ये ऐसे अलहदा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ अगर आप करेंगे सादा सी टेक्निक लड़ाकर, तो आपका जो है एग्जामिनर वो फौरन जज कर लेगा चीज़ों को और आपको समझने लग जाएगा। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपके और आपके एग्जामिनर के दरमियान जो वाहिद रबता है वो ये राइटिंग ही है। इसके अलावा आप उससे सामने बैठ के नहीं बता सकते कि मेरे जहन में ये था इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसलिए आपने जो भी बात करनी है वो आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करनी है, वो खुद उसको बता रही हो कि सामिया का या मुजम्मिल शाह साहब का ये वाला पॉइंट था असल में, ठीक है। ब्लैक इंक भी अलाउड है, ब्लू इंक भी अलाउड है, ब्लू मार्कर भी अलाउड है, ब्लैक मार्कर भी अलाउड है, रेड और ग्रीन अलाउ नहीं है, उसके अलावा सारी इस तरह की चीज़ें हैं ये वाली अलाउ है। अच्छा, ये नहीं है कि आप पर्पल कलर ले जाएं, ब्लू ब्लैक और रेड जो है ये सॉरी ब्लैक और ब्लू जो है ये एक जस्टिफाइड कलर है, इस पर आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब सामिया का एक क्वेश्चन है, अब हम वो ले लेते हैं। सर, आपने इधर एक पॉइंट लिखा ओवरव्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो हम हर्डल्स वगैरह तो नीचे जाके बता रहे हैं आगे जी। हेलो हेलो सामिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट के अंदर लिख रहे हैं। शान अली का क्वेश्चन है जी। शान, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपने इस स्टेटमेंट के बारे में बताया कि इंट्रोडक्शन में लिखनी है, क्या ये कंपलसरी है कि हम इंट्रोडक्शन में थी स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे पहले नहीं लिख सकते? शानली, जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट वो आउटलाइन के अंदर, अगर आपको लगे कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी बन गई है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, तो फिर आप उसे अपने आउटलाइन में भी निकाल के लिखें। अगर आपको लगता है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट थोड़ी सी कमज़ोर है, मज़ेदार नहीं है, तो फिर आप उसको अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में तो लिखेंगे, आउटलाइन के अंदर ना लिखें ताकि आप एग्जामिनर को दावत ना देंगे आपकी गलतियाँ निकालने लग जाए शुरू से। और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
अब्दुल हफीज का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक आपके नोट्स में सर आपने एक चीज बयान की जो आपने गूगल ड्राइव में आपके नोट्स हैं ना उसमें सर स्ट्रेची लाइंस का जिक्र किया हुआ है आपने, और दूसरी बात सर ये आउटलाइन जो हम बनाते हैं जिसमें 35-40 मिनट मतलब हम इन्वेस्ट हैं, तो सर इस पे मार्क्स कितनी रखी होती हैं, कोई आइडिया है आउटलाइन पे मतलब कितनी मार्क्स रखी होती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपने 30-35 मिनट 40-40 घंटा लगा के जो है अपनी आउटलाइन अच्छी बनाने की कोशिश करें, तो काइंडली सर ये दो चीजें क्लियर। अब्दुल हफीज इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि कैची लाइंस जो है उसके ऊपर तो बकायदा एक लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि आउटलाइन के नंबर शंबर हमें नहीं पता, बेशक आउटलाइन के दो नंबर हो, एक नंबर हो, कोई नंबर ना हो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। अब्दुल हफीज आउटलाइन अच्छी बनाने का मकसद ये है कि हमारा ऐसे लिखना आसान हो जाए। हमारे सारे दोस्त आज तक ऐसे इसलिए नहीं लिख पाते कि उनके पास क्राइटेरिया नहीं होता, उनकी थॉट्स जोट डाउन नहीं होती, उनकी थॉट्स रेलिवेंट नहीं होती, उनकी थॉट्स ग्रुप नहीं होती, उनकी थॉट्स अरेंज नहीं होती, इस वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो ऐसे लिख ही नहीं पाते। एक अच्छी आउटलाइन जो है वो एक अच्छे ऐसे का कह सकते हैं पेश खैमा होता है, और इसलिए आपको जो है उस पर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप 35-40-50 मिनट उस पर ज़ाया करेंगे तो आपका ऐसे उतना ही अच्छा बनता जाएगा। मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे छोड़े, मैं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, इन्वायरमेंटल साइंस, इनके भी पेपर होते थे ना, तो 3 hours में से हाफ एन आवर मैं ये लगाता था कि रफ के ऊपर इन क्वेश्चंस की आउटलाइंस बनाता था। उससे क्या फ़ायदा होता था? उससे ये होता था कि मुझे बाद में सोचने के लिए रुकना नहीं पड़ता था, मैं स्पीड स्पीड से क्वेश्चन का आंसर देता था। जो टाइम मुझे 40 मिनट में आंसर लिखने में लगना था सोच सोच के, वो एक बार आउटलाइन बनाने से मुझे जो है वो 20 मिनट के अंदर हो जाता था, 25 मिनट में हो जाता था, ठीक है। तो इस वजह से आउटलाइन बनाई जाती है, इसलिए नहीं बनाई जाती कि एग्जामिनर से नंबर लिया जाए। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं असद साद का, फिर सेशन एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट बताई थी, उसके बाद जो आप पॉइंट नंबर 2 बताया था, तो सर ये थोड़ा सा हमें डिफाइन कर सकते हैं दोबारा से? जी, इसके अंदर ये है कि आपने, ये होता है नेक पॉइंट, ठीक है। इसमें आपने जो है वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप फौरन शुरू कर दें ऐसे को, वैसे फौरन भी शुरू कर दें, इसको स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा एग्जामिनर को आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट की तरफ लाने के लिए आप बीच में जो है वो एक फिलर पैराग्राफ डालते हैं, ताकि फौरन उसे ये ना लगे कि ये फौरन ही शुरू हो गया बात करना, ठीक है। तो ठीक है सर, इसको आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। उसके अंदर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, उसके अंदर आप उस इशू का ओवरव्यू भी दे सकते हैं, या उसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि आप उसके अंदर क्राइटेरिया सेट कर दें, आइडियल चीज़ बता दें। बट कहने गुड गवर्नेंस का ऐसे है तो आप बताएं कि गुड गवर्नेंस आइडियली कैसी होती है, डेमोक्रेसी का ऐसे है तो डेमोक्रेसी आइडियली कैसी होती है, ठीक है। तो वो आपको जो है वो एक तरह से ज़्यादा एग्जामिनर को जो है वो अपील करेगा। बाकी आप अगर दोबारा जो रिकॉर्डिंग होगी सुनेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने एग्जाम्पल्स कैसे दी थी इसके अंदर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। चलें जी, इधर हम अपना सेशन एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, और हम इंशाल्लाह जो है कल भी छुट्टी होगी, बल्कि जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वही हमारी हॉलीडेज होंगी, और ईद के चौथे दिन से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि वेंसडे से, ठीक है। ट्यूसडे तक छुट्टियां, और उसके बाद वेंसडे की शाम को 10 बजे हम मिलेंगे और हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह। अच्छा, इसमें ये बात है कि आपका एक बड़ा सेक्शन कवर हो गया है जो कि आउटलाइन मेकिंग तक का है, अब के बाद आप आज़ाद हैं। मैंने पर्सनली जो है 70-80 एसेज की आउटलाइन बनाई थी अपने तौर पे, किसी को चेक किए बगैर। मैं आपको ये इनक्रेज करूंगा कि आप मेरी जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर पास्ट पेपर्स के लिंक्स पड़े हुए हैं, वैसे भी पास्ट पेपर्स का मैंने लिंक दे दिया है वो जो वेबसाइट का, तो आप उधर जाएं, कोई भी जो है वो ऐसे उठाएं और उसकी आउटलाइन बनाना स्टार्ट करें जितनी जितनी बनती है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आपने 25-30 की तो कम से कम बनाई हो। मैं क्योंकि चाहता था कि पहले अटेम्प्ट में पास करूं और कोई मसला ना हो, तो मैंने 70 एसेस की बनाई थी, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है ये पहले घंटे का लगेगा, फिर आधे घंटे का हो जाएगा आखिरी आउटलाइन तक, स्पीड स्पीड से आप बनाया करेंगे, ठीक है। कहीं उठते बैठते किसी बुक के एंड पे, किसी टिश्यू पेपर के ऊपर, मैं ऐसे बनाता था और वो बन जाती थी। तो इधर हम लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं।